नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें बातें। मैं थोड़ा देरी से आया, माफी चाहता हूँ, बाकी क्या हो रहा था मुझे पता नहीं चला। ये बताइए जरा, बेसिकली फिल्म बनानी है, मुझे प्रोड्यूसर में आपका नाम दिख रहा है, फिल्म बनानी है, कैसे ये सब कुछ शुरू हुआ? ये मेरी पांचवी छठी फिल्म है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो भोजपुरी में जनरली चल रहा है, बच्चे आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तकलीफ में रहते हैं, यहाँ आकर क्या वो झेलते हैं। बेसिकली ये स्टोरी मैंने अपने हिसाब से देखी थी, तो मुझे ये बच्चा मिल गया उधारी, मुझे नाम भी सूट किया, मैं बोला चलो टाइटल ही रख देते हैं उधारी सुपरस्टार। इसकी बेसिकली अपनी लाइफ है, इसकी अपनी लाइफ है, सबकी लाइफ पे हर बंदा फील करेगा अपने लिए कि सर ये मेरी लाइफ है जो मैंने स्ट्रगल देखा है, उधारी सुपरस्टार ये है। नहीं, आखिर आपको आपको ऐसा क्यों लगा कि ये उधारी रोल के लिए परफेक्ट बैठ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रगलर्स की या फिर नए लोगों की तो दुनिया में कोई कमी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमने साथ में काम किया, ऐसे ही बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे, उधारी ने अपनी लाइफ बताई कि दी मैंने ऐसी ज़िंदगी जी है, कुणाल से बात हुई, कुणाल से मैंने चलो एक फिल्म बनाते हैं, इन्होंने मेरे साथ एल्बम की है, तो उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लड़का बहुत आगे जा सकता है, ही इज़ अ गुड डांसर बाय नेचर, ही इज़ वेरी नाइस, कर सकता है लाइफ में। और बेसिकली मैं यूपी से हूँ तो मुझे लगता है कि अपने यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। उधारी, क्या ये आपकी ज़िंदगी की कहानी होगी उधारी सुपरस्टार? से पहले आप सभी को फिर से एक बार प्रणाम, रघुओं के फिर प्रणाम, देर सेल बनी। उधारी की कहानी ना, हमारा हिसाब से जे भी अगर लड़का जीरो लेवल से स्ट्रगल कर स्टार्ट कर लो ना बम्बई में, उस सब लड़का कहानी है उधारी सुपरस्टार। और बस ये बात बताने का हम एगो हिंद खाती कि सबका कहानी बा उधारी की कहानी के। अच्छा, अक्सर जब लोग सुपरस्टार होते हैं तो उनके बाद उनके स्ट्रगल्स की कहानियों को मुझे लगता है कि जब सही पहचान शायद उनके सुपरस्टार बनने के बाद ही होती है। माना उधारी से बहुत इनिशियल है, बहुत शुरुआती दिन है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल का सबसे बुरा फेस क्या था उधारी? बुरा फेस ये था कि एडिटिंग स्टूडियो में मैं खाना खिलाकर लोगों को आ रहा था और मैंने गोबर के बाजू में से एक बड़ा पाव उठा के खाया, इससे बड़ा बुरा मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हालांकि ये बताने वाली बात नहीं है और ये फिल्मी बात ही नहीं है, मैं भगत सिंह नगर में रहता था, भगत सिंह नगर आप लोग जानते ही होंगे, और मैं एमजी रोड से एक दिन में एक डांस क्लास कराता था, मुझे एक घंटे का 300 रुपये मिलता था, 300 रुपये में मुझे मैं कहीं जाता था तो 12 रुपये लेके जाता था जुहू के लिए, रेंट 12 रुपया उस समय लगता था एसबी रोड से, अरे नहीं वो बस का वो 12 रुपये मुझे बचाना होता था, फिर मुझे कुछ खाना होता था, 250 रुपये में मैं लोगों को सैंडविच और वो को सब खिलाता था, खिलाने के बाद कुछ दिन ऐसे बीता, खिलाने के बाद मेरे पास पैसे नहीं बचते थे, और जिस घर में मैं पीजी में रहता था अगर मैं 20 रुपये नहीं देता था तो मुझे मेरे लिए खाने नहीं बनते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे बहुत भूख लगा था, मैं लोगों को सैंडविच खिला के आया और मैं खुद एक सिद्धार्थ नगर एक चौक है मोतीलाल नगर में, उधर आप देखेंगे गुरुद्वारा है, मैं वहाँ पर एमजी रोड से आ रहा था और गिर गया, और मुझे इतनी तेज भूख लगी, इतनी तेज प्यास लगी, मैं क्या बताऊँ, मैं एक गोबर के बाजू में पाव था शायद, वो गोबर का नहीं कहूँगा, गोबर गणेश जी का रूप होता है, तो गणेश जी ने मेरे लिए एक वो पाव रखा, मैंने खाया, तो वो था। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे, लेकिन एक जो छोटी सी चीज़ थी जो मैं आप सबसे शेयर किया, वो दर्द मैं आंखों में देख सकता हूँ उधारी के। कभी ऐसा लगा कि सच में छोड़ देना चाहिए, शायद स्ट्रगल बहुत ज्यादा हद तक हो गया है, अब कुछ और करना चाहिए? सर कभी हुआ? सर छोड़ना तो छोड़िए, एक से एक धमकियाँ भी आती थी मुझे, कुछ कांड हो गया था इसके लिए, कांड मतलब इसलिए कि हमारी फिल्म बनी थी बलिया के दबंगई, उसमें कैसे कैसे वो फिल्म बना था, कैसे कैसे मैं उस चीज़ को आगे लेकर गया, फिर कंप्लीट तक पहुंचवाया, तो उसके बाद लोगों ने धमकी दिया कि तुमने फिल्म कंप्लीट क्यों करवाया, तुम तो एक एक्टर हो, तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं है, प्रोड्यूसर कोई और है, ये हो। मेरी पहली फिल्म थी, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ता रहा, क्योंकि मैं जो फिल्म बनाया था वो मेरे जानने वाले थे, हालांकि आज उस दुनिया में नहीं है, मैं कहीं ना कहीं प्रे करूँगा कि वो जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। सर वो जिंदा थे तब तक या आज वो नहीं है तब तक, आज मैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर थोड़ी सी अच्छाई होगी जो मेरे लिए इतनी बड़ी फिल्म बनाई जा रही है भैया के लिए और मेरे लिए, कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगा। जहाँ तक आपके बीच में पंकज भैया आए हुए हैं, वो भी जानते हैं पूरी कहानी को, स्टील फोटोग्राफर जो है। सर एक दौर एक ऐसा आया था ना कि मैं भांडुप स्टेशन पे मेट्रो मॉल के बाजू में बैठा था और मैं सोच रहा था मैं अब सुसाइड करूंगा जो लास्ट ट्रेन आएगी। क्यों? स्ट्रगल इस कदर हो गया था ना सर, खाने के लिए पैसे नहीं, रहने के लिए पैसे नहीं, यहाँ तक कि मैं पहले डेकोरेशन करता था, उसकी एक लास्ट कमाई की मैं मोबाइल रखा था अपने पास, मोबाइल मेरे पास लास्ट डेकोरेशन की कमाई थी 2013 वाली, मैं बताना चाहता हूँ थोड़ी देरी, आज हो रहा है तो बोल ही देता हूँ, भैया पूछ रहे हैं, हालांकि हमेशा इंटरव्यू लेंगे नहीं है मेरा, तो क्या हुआ कि मैं किराया देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे,
तो जिस रूम में रहता था उन्होंने बोला कि भाई आपको रहना है तो किराया देना पड़ेगा। वो लास्ट मेरी डेकोरेशन की कमाई थी, मैंने मोबाइल को 12,000 की मोबाइल मैंने 2,500 रुपये बेचा और 2,500 रुपये किराया दे दिया उनको किराए के रूप में। 14 दिन मेरे पास मोबाइल नहीं थे, उसी बीच में मेरी फिल्म के लिए कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मुझे पैसे चाहिए थे, पैसे नहीं थे, मैं दर दर भटकता था। उस समय डांस क्लास भी मेरे बहुत कम चलते थे और इन द मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि अब बेटा तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं है। और लोगों के पास जाता था ना जिनके पास कि मुझे काम चाहिए, उनके अनाप शनाप डिमांड्स, हालांकि मैं उनका कुछ आज वजूद भी नहीं है इंडस्ट्री में, लेकिन उनके अनाप शनाप डिमांड्स होते थे जो कि मैं पूरा नहीं कर सकता था। तो ऐसा लगा कि बेटा अब तुमको आज सबको मुँह माया छोड़ के आज ख़त्म है तुम्हारी दुनिया, लेकिन उस आदमी का भला हो जिसने मेरे ऊपर टार्च बोला गाड़ी का लाइट बारा और मेरे पास आके पूछा कि भाई तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या है। वो कहीं बार और उससे निकले हुए थे मतलब वाइन वाइन करके, लेकिन बेचारे ने पूछा, मराठी बंदा था, उस बंदे को थैंक यू कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उस बंदे का भी कहीं ना कहीं हाथ है। भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं, शायद आपके लिए वही रूप था। फिलहाल आगे बढ़ता हूँ, कुणाल से पूछता हूँ, यार इमोशनल कर दिया इसने। कुणाल बेसिकली जब फिल्म में उधारी सुपरस्टार है तो फिर कुणाल कौन है? देखिए अगर उधारी है मैं बताता हूँ, सुपरस्टार ही है। तो बेसिकली उधारी सुपरस्टार में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उधारी सुपरस्टार में उधारी मेरा एक छोटा भाई है, ये कहानी में नहीं है, ये आम जिंदगी में है हम लोगों के। और स्ट्रगल के दौर में जब स्ट्रगल चल रहा था अच्छे सिनेमा का, कि अच्छा सिनेमा कहाँ से मिले, उस दौरान हम लोग साथ मिले थे और हम लोगों का एक प्रयास था कि किस तरीके से कुछ नया काम किया जाए, कुछ अच्छा काम किया जाए, जब काम करना है तो अच्छे कंटेंट पे काम करना है। तो मेरे लिए तो वही स्ट्रगल बहुत बड़ा हो गया था, रोटी तो मिल रही थी मेरे को, लेकिन स्ट्रगल यही बड़ा हो गया था कि अच्छा काम कहाँ से मिले। प्रोड्यूसर मैडम, आप एक फिल्म बना रही हैं उधारी को लेकर, उधारी को सुपरस्टार बना रही हैं, मुझे पता नहीं उधारी की किस्मत जाने आपकी फिल्म में। उधारी ऑलरेडी सुपरस्टार है, इसीलिए उसके लिए सुपरस्टार फिल्म बनाई जा रही है। ये हमारी माँ है तो माँ की नजर देख रही है। नहीं नहीं, मेरा लड़का सुपरस्टार है, उसमें हर वो क्वालिटी है जो एक हीरो में होनी चाहिए, कलर पे और हाइट पे मत जाना। लेकिन वो सच में एक अच्छा हीरो है और इसे एक अच्छा कोरियोग्राफर प्लस डायरेक्टर दे रही हूँ इस फिल्म के लिए, जो बहुत जरूरी है, हमारे रामदेवन सर, इन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से 500-700 फिल्में की होंगी, लेकिन इस फिल्म में ये डायरेक्टर हैं। बेसिकली डांस बेस्ड फिल्म है तो हमने सोचा कि ऑर्डिनरी कोई डायरेक्टर हो, इससे अच्छा कोरियोग्राफर को ही डायरेक्टर क्यों ना बना दिया जाए, मेरा सौभाग्य। और पहली बार इतिहास में होगा एक कोरियोग्राफर को दूसरा कोरियोग्राफर डायरेक्ट करेगा और कुछ भूचाल आएगा डांस में, लाइक अल्लू अरविंद, प्रभुदेवा, ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, उस लेवल का डांस इस भोजपुरी इस फिल्म में मिलेगा आप लोगों को। बेसिकली भोजपुरी इंडस्ट्री को हम लोग एक अच्छा डांसर देने जा रहे हैं, अब तक सिंगरों का जमाना था, अब डांसर राज करेंगे। yes. अब डांसरों का जमाना होगा। okay. भाई डांसर बुरा मत, सिंगर लोग बुरा मत मानो, हमारी महतारी को आता ही है। नहीं नहीं, दौर सबका आता है, अच्छे बुरे सिंगर भी हिट थे, जितने सीनियर स्टार हैं सब मुझे ब्लेसिंग देंगे, टेंशन मत ले, सब मेरे बड़े भाई की तरह हैं, खेसारी भैया बहुत मानते हैं मुझे, दिनेश भैया तो जब मिलते हैं वाह वाह आशीर्वाद देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि फोन भी ऐसे मेरी कम मुलाकात होती है और उम्मीद है कि जब मिलूंगा तो आशीर्वाद उनसे भी लूंगा। तो बाकी सब हैं आप और हमारे राइटर साहब, उनको भी बुला लीजिए। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।